नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24x7 और मैं आपके साथ फहीमा। वाराणसी से इमरान की रिपोर्ट। श्रीमती शालिनी यादव ने बाबा काशी विश्वनाथ का गंगा जल से जल अभिषेक करते हुए सावन में बाबा के दर्शन का प्रारंभ किया। यादव बंधुओं द्वारा परंपरागत रूप से वर्ष 1932 से जल अभिषेक करने वाली संस्था चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के तत्वाधान में श्रीमती शालिनी यादव के नेतृत्व में कल पूरे विधि विधान से बाबा काशी विश्वनाथ का परंपरागत तरीके से कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत जल अभिषेक किया गया। इस अवसर पर मीडिया जनों से बात करते हुए श्रीमती यादव ने कहा कि सावन महीने में शुक्र व चंद्र मजबूत होते हैं, जिसमें यादव बंधुओं द्वारा प्रथम सोमवार को बाबा का गंगा जल से जल अभिषेक किए जाने से मानव के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके पहले समिति के अध्यक्ष श्री लालजी यादव व अन्य यादव बंधुओं ने केदारघाट से घड़ों में गंगा जल भरते हुए इस ऐतिहासिक परम्परा का आरम्भ किया। तदुपरांत दशावमेध घाट से शीतला माता का आशीर्वाद व गंगा जल लेते हुए शालिनी यादव व लालजी यादव के नेतृत्व में यह जत्था 11 की संख्या में मंदिर में प्रवेश हेतु डेढ़शी के पुल की गली पर पहुंचा, जहां उपस्थित दर्शनार्थियों ने शालिनी यादव को माला व अग्रवस्तम अर्पित कर स्वागत किया। इसके उपरांत ज्ञानवापी के मुख्य द्वार से सभी यादव बंधु बाहर आए, जहाँ पर स्थानीय यादव बंधुओं द्वारा श्रीमती शालिनी यादव सहित सभी दर्शनार्थियों का पूर्व पार्षद प्रत्याशी मनीष यादव के नेतृत्व में अभिनंदन किया गया। साथ ही सभी को फलाहार का वितरण किया गया। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया, साथ ही भारी प्रशासनिक व पुलिस व्यवस्था रही। Watching our voice news for daily news updates and do follow, like and share this video. Thank you.